तस्वीरों को देखकर लगता है कि शायद यहां से कोई चक्रवाती तूफान गुजरा है जिसने सब कुछ तितर बितर करके रख दिया। लेकिन ये हालात किसी चक्रवाती तूफान ने नहीं बल्कि मानसून की बारिश ने किए हैं। और ये तस्वीरें हैं फतेहाबाद जिले के जाखल की, जहां पर 4 घंटे की बारिश ने ही प्रशासन के पुख्ता इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। 4 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जाखल खंड के वार्ड नंबर 8, 9 और 10 की सड़कों में बने गड्ढों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, सीवर लाइन भी टूट गई जिसका पानी लोगों के घरों में घुस गया। मकानों के आसपास गंदा पानी जमा हो गया है जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आफत बनकर बरसी इस बारिश से परेशान वार्ड वासियों ने नगर पालिका और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही वार्ड नंबर 10 के पार्षद विकास कामरा ने नगर पालिका और प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीवर लाइन जो डाली गई है वो सिर्फ अपनी जेब भरने तक सीमित है, साथ ही इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और इस बारिश ने प्रशासन और नगर पालिका के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक वार्ड वासियों की समस्या का समाधान होगा और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी। आप बाढ़ के एमसी हो, लोगों की समस्या है, आपने निरीक्षण भी किया है, पेपे भी टूट चुके हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? वार्ड की समस्या के बारे में ऐसे है, ये जो सीवर व्यवस्था स्टेशन पे डाली गई है, ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी अफसर, नगर पालिका अफसर की कमीशन खोरी के कारण ये नकली सामग्री लगाई गई है। और ये पहले भी मुद्दा उठाया गया है, झाखल स्टेशन पे भी यहाँ पर पहले वारदात हो चुकी थी, उस टाइम भी डीएमसी से बात की गई, नगर पालिका सेक्रेटरी से करी गई, पीडब्ल्यूडी एसडीओ से की गई। उन्होंने जब 2 आदमी मर चुके थे उनकी परवाह नहीं करी, पब्लिक की परवाह नहीं करते, वो अपने पैसे ही जेब भरने के लिए अब फिर जान जोखिम में डालकर यहाँ पर मकानों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर बच्चे हैं छोटे छोटे, सीवर आप पहली बारिश में ही मिट्टी धस चुकी है, बुरी तरह मिट्टी फैल चुकी है, सीवर टूट चुका है, घरों में पानी जा चुका है। ये जो सरेआम धांधली हुई है उससे पहले भी हमारे 2-3 बार झगड़ा हो चुका है ठेकेदार के साथ। अब मैंने 3 बार ठेकेदार को फ़ोन कर चुका हूँ, 2 बार नगर पालिका सेक्रेटरी को फ़ोन कर चुका हूँ, 2 बार पीडब्ल्यूडी को बात कर चुका हूँ, कोई जनरेटर नहीं चला रहे, पानी की निकासी की समस्या का हल नहीं कर रहे। ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारा करप्ट है, कमीशन जा रहा है साहब का और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैंने पहले भी झगड़ा हो चुका है 2-3 बार ठेकेदार से, 3-4 बार यहाँ पर बात भी की गई भी, इस प्रकार का जो सामग्री लग रही है हल्की है। अब ये सारी जो पोल है पहली बारिश में ही नई सीवरी खुल गई है, अब भी डाला जाएगा जैसे ये समस्या आ रही है। प्रस्ताव तो मैं पहले यही बात सारी रख चुका हूँ, नीचे से लेके ऊपर तक सारे चोर, प्रस्ताव कितनी बार डालने। हमारा जब एजेंडा था पिछली नगर पालिका की मीटिंग में भी वो कह रहे थे बजट नहीं है हमारे पास, हमने वो बजट पास कर दिया खर्चे का, फिर भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। अब नालियां बंद कर दिया, पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक तो हमारे को कहेगी और हम ऊपर बैठाते हैं, ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल ही सारा निकम्मा प्रशासन हरियाणा सरकार ने थोप रखा है हमारे ऊपर। समस्या ये है कि बरसात से ये नगर पालिका की ये पोल निकल रही है, अभी क्या लगाया इन्होंने मटेरियल, कैसा मटेरियल लगाया, और हमारी जान माल को खतरा, हमारे घरों के अंदर भी पानी बढ़ गया है। और आए देखती है तस्वीर, देखो क्या हो रहा है, ये शासन प्रशासन जिम्मेवार है, अगर हमारी जान माल को कोई खतरा हो गया तो। क्या मांग करते हो आप प्रशासन से? हम मांग ये करते हैं कि इसको तुरंत ठीक किया जाए, कल को किसी का भी जान माल का खतरा हो सकता है, मकानों का भी खतरा है गिरने का, बच्चों का भी खतरा है, कोई भी मर सकता है। एमसी साहब आ गए, शासन प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। कितनी लगाते हैं? डॉक्टर, कल 4 घंटे लगातार जाखल में बारिश हुई और उससे प्रशासन की जो पोल खुलती नजर आ रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? पिछले कुछ महीनों में जो लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज, नई सीवरेज प्रणाली का जो सरकार ने टेंडर दिया था, उसी दौरान जो ठेकेदार ने सीवरेज डाले, और सीवरेज के दौरान इतना भ्रष्टाचार हुआ, तो
वहाँ के वासी नगर वासियों का कहना कि वो सीवरेज पाइपलाइन छोटी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने पत्राचार भी किए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पाइप डालने के बाद ही तुरंत ओवरफ्लो और लीकेज ये प्रणाली चलती रही। अब पीछे दौरान जब बारिश हुई, कल बारिश के दौरान सड़कें टूट गई हैं, ब्लास्ट हो गए हैं, लोगों के मकान जो हैं धस गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही नगर बस्ती की। उसके बाद मैंने भी ट्वीट के माध्यम से सीएम को इतनी बार संबंधित विभाग को सूचित किया कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक करवा जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ तो सरकार इन भ्रष्टाचारियों को लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, पीछे भी एक समाचार पत्र में सीएम साहब का बयान आया था कि इन भ्रष्टाचारियों को साइड लाइन किया जाएगा, लेकिन बताने के बावजूद भी, शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या घपला है, क्या हुआ, सारे की सारी तहस नहस हो गई। 7 करोड़ रुपये का जो काम किया है वो बिल्कुल बेकार काम किया है। इसके ऊपर जांच बिठाई जाए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।